नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के सुन आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके फोन की जो बैटरी है वो कम चल रही है या फिर जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है ना, आपको अपने फोन को दिन में कई बार चार्ज करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी को आपके फोन में ना एक ऐसी सेटिंग के बारे बताऊंगा जो आपके फोन में पहले से होती है, ठीक है। इस सेटिंग को अगर आप अपने फोन में चालू कर लेंगे ना, उसके बाद आपके फोन की बैटरी में जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सब कुछ सही हो जाएगा और आपके फोन की जो बैटरी है ना, वो एकदम नए फोन की तरह चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी को पता है कि जब भी हमारा फोन नया होता है ना, तो हमारे फोन की बैटरी काफी बढ़िया चलती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा फोन पुराना होने लगता है ना, तो हमारे फोन की बैटरी में काफी सारे इश्यू आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे बता दूंगा जो हमारे फोन के अंदर कंपनी पहले से डाल के देती है, ठीक है। इस सेटिंग को बस हमें चालू करना होता है, सीखना होता है। इस सेटिंग को जैसे आप चालू कर देंगे ना, उसके बाद आपके फोन की जो बैटरी होगी वो काफी बढ़िया चलनी स्टार्ट हो जाएगी, एकदम नए फोन की तरह आपके फोन की बैटरी हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी सेटिंग है और कैसे सेटिंग को चालू किया जाएगा, तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बगल में आप सभी को एक छोटा सा घंटी नजर आएगा, इसको आपको दबा देना है, फिर आपको ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की जितनी भी वीडियोज आएंगी ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को अपने अपने फोन का सबसे पहले नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बैटरी न्यू लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैटरी लिखना है, उसके बाद आपको न्यू लिख देना है। तो ये चीज आप कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा, अपने फोन के नाम के आगे आपको बैटरी न्यू लिख देना है और आपको इसे सेंड कर देना है। अब जैसे ये लिख के आप सेंड करते हैं ना, तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बाद बता देता हूँ। दोस्तों, सेटिंग को करने के लिए आप सभी के फोन में पहले से एक एप्लीकेशन होती है, इस एप्लीकेशन का नाम है सिक्योरिटी। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में ढूंढ के ओपन करना है, सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी सेवर के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको ऑन करना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, तो आपकी बैटरी का आइकन पीले कलर का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके फोन के बैकग्राउंड में जितनी भी फालतू बेकार एप्लीकेशन होती है ना, वो आपकी बैटरी को यूज नहीं कर पाएंगी। साथ ही में आपके फोन की बैटरी में जो नई नई एप्लीकेशन प्रॉब्लम पैदा करती है ना, वो भी इशू नहीं डाल पाएंगी, जिससे आपकी फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी और आपको अपने फोन को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये 10 मिनट पे या फिर नेवर पे सेट होगा, तो इसको आपको 1 मिनट पे सेट कर देना है, ताकि जब भी आप अपने फोन को लॉक करें ना, तो आपके फोन के बैकग्राउंड में जितना भी कचरा होता है ना, वो 1 मिनट बाद क्लियर हो जाए, जिससे आपके फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग अगर आप अपने फोन में कर लेते हैं, उसके बाद आपके फोन की जो बैटरी है ना, वो नए फोन की तरह चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को दोनों ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।